मैं बोल के सकता आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों के जवाब दिए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा मीडिया से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि जेएनयू में जो घटना हुई है, मैं उसे देश के इतिहास में बहुत बड़ी घटना मानता हूँ। यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे कोई भी गुंडा या नकाबपोश जाकर आतंक नहीं मचा सकता जब तक उसके ऊपर किसी का हाथ ना हो। तो आप लोग सोच सकते होंगे कि इशारा किस ओर जा रहा है। मीडिया ने उससे जब पूछा कि छपाक मूवी को कई राज्यों में टैक्स फ्री कर रखा है, तो क्या राजस्थान में भी इसे टैक्स फ्री रखा जाएगा? इस पर गहलोत ने बोला कि राजस्थान सरकार जल्द ही इस पर फैसला सुनाएगी। मीडिया ने गहलोत से कहा कि बिना वित्त मंत्री के प्री बजट मीटिंग की प्रधानमंत्री ने। ईश्वर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भी अनहोनी बात है कि बिना वित्त मंत्री के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हुए हैं और आप इंडस्ट्रियलिस्ट से चर्चा कर रहे हैं अगले बजट के बारे में। उन्होंने कहा कि दूसरे के जेल में क्या है, क्या सोच कर किया गया है, क्या मैसेज देना चाहते हैं देश को, यह तो वो खुद ही बता सकते हैं। मायावती बरसी प्रियंका गांधी पे। मायावती ने कहा प्रियंका के पास राजस्थान जाने का समय है लेकिन कोटा जाने का समय बिल्कुल भी नहीं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लिए बगैर उन पर हमला बोला है। मायावती ने प्रियंका के राजस्थान में निजी कार्यक्रम में शामिल होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो अपना थोड़ा भी समय कोटा में उन बच्चों की माओं के आंसू पोंछने के लिए देना उचित नहीं समझती, जबकि वो भी एक माँ है जो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। मायावती ने एक के बाद एक तीन ट्वीट कर कांग्रेस और अन्य विरोधी पार्टियों पर हमला बोला। उन्होंने लिखा बीएसपी किसी भी मामले में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों की तरह अपना दोहरा मापदंड अपनाकर घटिया राजनीति नहीं करती, जिसके कारण ही आज पूरे देश में हर तरफ किसी न किसी मामले को लेकर हिंसा, तनाव और शाहिद कपूर को लगी खतरनाक चोट, चेहरे पर आए 13 टांके, गंभीर रूप से घायल। शाहिद कपूर को लेकर हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। फिल्म की शूटिंग के दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए, उनके चेहरे पर गहरी चोट आई है। शाहिद कपूर की हालत इतनी खराब दिखाई दी कि उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके कारण उन्हें 13 टांके लगे हैं। वहीं जैसे ही ये खबर उनकी पत्नी मीरा राजपूत को मिली, वो फौरन चंडीगढ़ पहुंच गई और शाहिद कपूर को ये चोट उनकी आने वाली फिल्म जर्सी शूटिंग के दौरान लगी। फिल्म जर्सी में शाहिद कपूर एक क्रिकेटर का किरदार निभा रहे हैं, जिसके लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इन दिनों फिल्म की शूटिंग चंडीगढ़ में चल रही है और माने तो सीन में शाहिद कपूर को क्रिकेट खेलना था। इस दौरान एक तेज रफ्तार बॉल अचानक उनके चेहरे पर आकर लगी। उनका लोअर लिप काफी ज्यादा कट गया, इस कट के कारण बहुत खून बहा और उनके चिन पर बुरी तरह सूजन आ गई। उन्हें अस्पताल में तुरंत भर्ती करवाया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।